Hello, students. Good morning to all. Students, I am your math teacher. Uh, today, I am going to explain you exercise 9.2 of chapter 9 Lines and Angles. So, let us understand the about the steps. So, first question of this exercise is A, B, and CD are two line segments perpendicular to line L's, L and M, both where L and M are. पार्लर टू इच इधर इफ़ लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर फाइंड सी डी हमें सी डी फाइन करना है आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले हमने फिगर ड्रा किया आप फिगर से समझ सकते हैं कि ये लाइन जो आपकी दिया हुआ क्वेश्चन में कि एल और एम जो है ये पार्लर है आप जानते हैं पार्लर लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है अब ये पार्लर हैं तो इनके बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस है ए बी की जो डिस्टेंस है यहाँ पर वही डिस्टेंस यहाँ पर सी डी के भी हो जाएगी मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर का ये साइन जो बना हुआ नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर हैं तो ये लाइन्स भी जो है हमारी ए बी और सी डी हैं ये भी आपकी पार्लर हो जाएंगी सो इस तरीके से यह एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल हो जाती हैं गिवन ए बी एंड सी डी परपेंडिकुलर टू एल एन एम एल पार्लल टू एम दिया हुआ है सो ए बी इक्वल टू इक्वल टू सी डी इसलिए ए बी और सी डी जो है वो बराबर हो जाएगा ए बी की लेंथ दी हुई है थ्री सेंटीमीटर तो सी डी इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर वो भी हो जाएगा आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इज लाइन एल ए ट्रांसवर्सल इन द फॉलोइंग फिगर यहाँ पर दिया हुआ है कि यल जो है वो ट्रांसवर्जल है कि नहीं है ये हमें फाइन करना है देखिए फर्स्ट में है क्योंकि यहाँ पर एल लाइन है ये एम एन और दो टू लाइन्स हैं इसके बीच में एक ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन्स को तो ये आपका यल ट्रांसवर्जल हो जाएगी सेकेंड में आपका एल है ये नहीं है क्योंकि ये लाइन दोनों को इंटरसेट एक ही पॉइंट पर करे दो अलग अलग दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी तभी वो ट्रांसवर्जल होगी सेकेंड भी यश हो जाएगा थर्ड जो है इसमें क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर इसको इंटरसेट कर रही है तो इसलिए भी ये भी आपका यश हो जाएगा और फोर्थ भी आपका यश हो जाएगा तो सिर्फ इसमें हम एक क्वेश्चन आपका नो है जो ट्रांसवेजल नहीं है बाकी सारे क्वेश्चन में मेंल जो है वो ट्रांसवेजल है इसकी फिगर आपको मैंने नहीं ड्रा किया है आपको ड्रा करने खुद से फिगर ड्रा करने के बाद ही आप यश नो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम रेफर्स टू द फिगर एंड राइट यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल सेवन एंड एंगल एट करस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं जैसे आपका एंगल थ्री है तो इसका करस्पोंडिंग एंगल सेवन हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे एंगल थ्री का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू तो एंगल थ्री का करस्पॉन्डिंग एंगल फाइव एंगल फोर का एंगल सिक्स एंगल थ्री है ये आपका यहाँ पर इसका फाइव हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल और उसके बाद एंगल फोर का एंगल सिक्स हो जाएगा एंगल फोर यहाँ पर बन रहा है इसका एंगल सिक्स हो जाएगा उसके बाद दूसरा जो है एंगल सेवन का एंगल वन हो जाएगा एंगल सेवन ये है तो इसका वन हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट आपका है एट <coughs> का तो एट का एंगल टू हो जाएगा क्योंकि एट यहाँ पर बन रहा है तो ये टू हो जाएगा तो ये इसके करस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे एंगलनेट टू एंगल फाइव का एंगल फाइव का अल्टरनेट एंगल हो जाएगा एंगल फाइव का सॉरी एंगल वन का एंगल फाइव हो जाएगा ये आपका एंगल वन है तो यहाँ पर एंगल फाइव इसका अल्टरनेट एंगल हो गया क्योंकि एक्सटीरियर है तो इसको भी हम एक्सटीरियर लेंगे इंटीरियर होता तो इंटीरियर लेते हैं फिर एंगल टू का एंगल सिक्स हो जाएगा एंगल टू यहां पर है और एंगल सिक्स फिर सेव एंगल थ्री का एंगल सेवन और एंगल एट का फोर इस तरीके से इंटीरियर एंगल्स लिखने हैं इंटीरियर एंगल्स जो दोनों लाइन के बीच में है जैसे थ्री फोर सेवन एट ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स जो दोनों लाइन के बाहर हैं जैसे फाइव सिक्स और वन टू ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है इन द फिगर ऑफ क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री में जो फिगर है वही सेम फिगर रहेगा इफ एंगल फोर इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव एन एंगल एंड एंगल फाइव इक्वल फिफ्टी फाइव डिग्री फाइंड एंगल वन टू थ्री एंड सिक्स तो फिगर आप उसमें से देख लेंगे एंगल फोर दिया हुआ है फाइव डिग्री सो एंगल वन इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी माइनस वन हंड्रेड फाइव इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री क्योंकि ये दोनों आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं और आप जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वन हंड्रेड एट्टी डिग्री होता है तो वन एट्टी डिग्री में से जो एंगल आपका दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल हमें फाइंड हो जाएगा एंगल फोर इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा बिकॉज अब आपका एंगल टू हमने फाइंड किया वन फाइव डिग्री दिया हुआ है तो ये क्योंकि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए आपका इक्वल वन फाइव डिग्री हो जाएगा फिर उसके बाद एंगल वन इक्वल टू तो एंगल थ्री हो जाएगा सेवेंटी फाइव डिग्री और ये भी वर्टिकली अपोज़िट एंगल है इसलिए इक्वल होगा अब उसके बाद नेक्स्ट आपका है एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर हैं लीनियर पेयर है तो उनका सम वन एटी डिग्री हो जाएगा और एंगल फाइव की वैल्यू हमें दिया हुआ है फिफ्टी फाइव डिग्री सो एंगल सिक्स इक्वल टू वन एटी माइनस फिफ्टी फाइव इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिग्री ये आपका एंगल सिक्स फाइंड हो जाएगा तो इस तरीके से आप सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन फाइव अपने आप से आपको आपको खुद करना है क्वेश्चन फाइव में सिर्फ आर द लाइन्स ए एंड बी पार्लर ये पूछा है कि ये पार्लर है कि नहीं आल्सो फाइंड एंगल वन टू थ्री फोर और ये भी आपको फाइंड करना है कि एंगल वन टू थ्री फोर क्या है इसको भी आपको फाइंड करना है तो ये लाइन्स पार्लर हैं क्योंकि अगर आप इनको इनको प्लस कर रहे हैं इसके जो अल्टरनेट एंगल हैं यहाँ पर प्लस कर रहे हैं करस्पॉन्ड एंगल तो उसका सम वन एट्टी डिग्री हो रहा है तो इस तरीके से आप इसको अगर सम इसका वन एट्टी डिग्री हो रहा है तो ये आपका पार्लर लाइन्स हो जाएंगी बी ए, ए पार्डल टू बी हो जाएगी और उसके बाद बचे हुए एंगल्स भी आप फाइंड कर सकते हैं जैसे ये फिफ्टी डिग्री है तो एंगल फोर आपका वन हंड्रेड एट्टी में से फो फिफ्टी कर करन थर्टी डिग्री हो जाएगा एंगल वन फाइंड करना है तो वन एट्टी में से वन थर्टी माइस कर दिए फिफ्टी डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गए तो इस तरीके से सारे एंगल भी आप फाइंड कर लेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी आप सॉल्व कर लेंगे मैंने सोलेशन उसका दिया है आप समझ के सॉल्व कर लेंगे अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें लाइव क्लास में पूछ सकते हैं ओके थैंक यू